यार ये बुल्ड वालों को ना मैं किसी दिन मार दूंगी, मैं सही बता रही हूँ। तो शोर करते हैं ना ये लोग। वेलकम बैक हेयर, मैं हूँ पूजा। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज अबाउट दिस फाउंडेशन फ्रॉम माई ग्लैम। तो माई ग्लैम जो है वो मनीष मल्होत्रा का ब्रांड है और मुझे ये फाउंडेशन काफी ज्यादा अपीलिंग लगी थी उस ब्रांड की, सो ले ली मैंने ये। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो ये कुछ इस तरीके की गोल्डन पैकिंग में आती है और इसका प्राइस है 1450 रुपीज। इसमें SPF 30 है। ये 5-in-1 है, मतलब कि इसमें प्राइमर है, कंसीलर है, फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट है और करेक्टर भी है। तो सो व्हेन यू ओपन दिस बॉक्स यू विल फाइंड समथिंग लाइक दैट। जो इसका फाउंडेशन है वो काफ़ी अच्छे से कवर्ड होता है। तो एंड द फाइनल फाउंडेशन इज दिस क्वाइट लग्जूरियस पैकिंग। एंड इसके फ्लैप पे आप अपनी शक्ल देख सकते हो। सो भैया बाहर भी मिरर, अंदर भी मिरर। तो ओके, आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि ये 5-in-1 फाउंडेशन है, बिकॉज इसमें और कुछ तो नहीं है। ये फाउंडेशन है, ये करेक्टर, सॉरी ये करेक्टर है, एंड देन दिस इज द कंसीलर। प्राइमर और कॉम्पैक्ट जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो कि बाहर ये इन्फॉर्मेशन क्यों लिखी हुई है, बट आई थिंक जो ये फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, क्योंकि अगर आपको बाहर जाना हो तो आपको ऐसे नहीं कि अलग से फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्टर लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ आप ये ले सकते हो और आपको उसी में ही तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये काफ़ी अच्छी बात है इस फाउंडेशन की। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फाउंडेशन एंड देन शो यू गाइज की कैसी लगती है फेस पे अप्लाई करने के बाद। बट बिफोर दैट आई एम गोना मॉइस्चराइज माई फेस यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर। सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ ये ऑरेंज करेक्टर। ओके, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी लग रहा है, राइट। एंड इसमें यूज करूँगी अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। ओके गाइस, जो कवरेज है दैट इज लाइक ओके, मीडियम कवरेज है। एंड जो टेक्सचर है वो क्रीमी है, सो दैट इज अ गुड पॉइंट। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड लेट मी टेल यू गाइस, जो इसका करेक्टर है वो प्रॉपर ऑरेंज शेड नहीं है। सो दिस विल नॉट वर्क फॉर द डार्क स्किन टोन्स या जिनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, उनके लिए काम नहीं करेगा। मीडियम स्किन टोन्स, फेयर स्किन टोन्स के लिए गुड। नाउ आई यूज दिस कंसीलर पार्ट। एंड ये जो कंसीलर नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ वो एक्चुअली मेरी शेड से एक शेड थोड़ा डार्क होता है, बट ये मुझे ज़्यादा येलोइश लग रहा है। सो लेट्स सी। ओके, इसका जो टेक्सचर है वो करेक्टर से भी ज़्यादा क्रीमी है। बिकॉज इनका टेक्सचर क्रीमी है तो आई सजेस्ट यू गाइस कि आप इसे या तो फिंगर से ही ब्लेंड करिए या फिर आप ब्रश ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप स्पॉन्ज यूज़ करेंगे तो सारा जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्ज में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, फेस पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो करेक्टर से ज़्यादा अच्छी कवरेज है इसकी और टेक्सचर भी जो है वो ज़्यादा स्मूथ है करेक्टर से। होने के बाद भी इसने जो मेरी आई है उस पर एक काफ़ी लिफ्टिंग सा इफेक्ट दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट जैसे कि मैंने बताया था कि जो कवरेज है वो मीडियम है तो मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो प्रॉपरली कवर नहीं हुए हैं। अच्छे रियली लाइक कि कितना ज़्यादा नेचुरल लुक आ रहा है इससे। ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत सारा कंसीलर या करेक्टर लगा रखा है। आई लव इट। नाउ आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। फाउंडेशन भी मैं फिंगर से ही अप्लाई करने वाली हूँ बिकॉज इसका जो टेक्सचर है वो भी क्रीमी है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये और ज़्यादा स्मूथ है कंसीलर और करेक्टर के कंपेरेटिव। सो मैं इसे डॉट्स में, ओके थोड़ा सा लाइट लग रहा है मुझे शेड, लेट्स सी कैसा जाता है। यू नो एक्चुअली जस्ट लेट मी ब्लेंड हाफ ऑफ द साइड ऑफ माई फेस विद द फिंगर्स एंड फॉर द अनदर साइड आई यूज ब्रश। आई एम डन अप्लाइंग दिस फाउंडेशन एंड आप चाहे इसे फिंगर से ब्लेंड कीजिए, क्योंकि मैंने हाफ फिंगर से ब्लेंड किया था, हाफ जो है वो मेकअप ब्रश से ब्लेंड किया था। तो मुझे दोनों की फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस फाउंडेशन इज शेयर टू मीडियम कवरेज, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने जो मेरी रेडनेस है उसको कवर नहीं किया है, तो मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। ये मैटिफाई नहीं कर रही है आपके फेस को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑयली स्किन टाइप पीपल हैं वो इसको ना ही यूज करें तो बेटर रहेगा। बट टू ड्राई स्किन पीपल एंड नॉर्मल टाइप
स्किन पीपल जो हैं वो इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इट्स अ गुड वन। बट आई रियली लाइक कि कितना ज्यादा नेचुरल लुक दे रही है फाउंडेशन मेरे फेस पे। थोड़ा सा शेड जो है वो मैंने एक शेड लाइटर मंगवा लिया, बट इट्स ओके, अब तो आ गया, अब यूज तो करना ही पड़ेगा, फेंकेंगे तो नहीं हम। सो नाउ आई विल डू माई फुल फेस मेकअप एंड देन विल शो यू गाइज कि पूरा मेकअप करने के बाद जो ये फाउंडेशन है वो कैसी लगती है, एंड आई बी बैक इन जस्ट अ मिनट। सो आई एम बैक एंड आई एम डन विथ माई फुल फेस ऑफ मेकअप और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, नेचुरल सा लुक दे रहा है मेरे फेस पे। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसमें हाईलाइटर यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो ये फाउंडेशन है वो ऑलरेडी मेरे फेस के ग्लो को रिफ्लेक्ट कर रही है, प्लस इसके टेक्स्चर की वजह से भी ये शाइनी इफेक्ट दे रही है, विच इज़ अ रियली गुड पॉइंट। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ ना बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन अप्लाई कर रखी है। फाउंडेशन को वो लोग बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रो नहीं है मेकअप में, या मतलब जिनको काफ़ी नेचुरल मेकअप पसंद है वो लोग इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहेगी उनके लिए, बिकॉज ये ईजिली ब्लेंडेबल है। मतलब आई टेल यू गाइज कि अगर आपने कभी मेकअप नहीं किया है तभी आप इस फाउंडेशन को लेके ब्लेंड करोगे तो बहुत आराम से ब्लेंड हो जाएगी और बहुत ही अच्छा फिनिश देगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय टेक्सचर, माय रिक्वायरमेंट्स, काफी अच्छी लगी मुझे ये फाउंडेशन। सो यार दैट्स इट फॉर द होल वीडियो गाइज, आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा, एंड और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो 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 मच मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, आई जस्ट कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, ऑब्वियसली अभी भी हूँ। सो लाइक या एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।